हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? कल ये क्लास होने वाली थी, लेकिन कल अंकित सर को थोड़ा एक लंबा लेक्चर लेना था, तो इस वजह से उन्होंने ये टाइम जो है इसको यूटिलाइज कर लिया, तो इस वजह से हमारी क्लास आज शिफ्ट हो गई है। माय सेल्फ डॉक्टर बकुलदेव एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट लेट्स क्रैक नीट यूजी, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका नाम है एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में भी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में भी कार्टिलेज का सेगमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ रहे होंगे द सेगमेंट ऑफ द बोन। बोन का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है, हवर्सियन सिस्टम कैसा दिखाई देता है, और बाकी सारी की सारी चीज इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आ जाइए, सारे के सारे बच्चे जुड़ जाइए भाई, जल्दी जल्दी। मीन वाइल मैं आप लोगों को बता दूं, सारे बच्चों को, कि ये जो आपका बैच है ये अभी स्टार्ट किया गया था लास्ट मंथ, और 10 तारीख से ये स्टार्ट किया गया है मर्ज फॉर्मेट में। उसके बाद से ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एंड नाउ वी आर एमिंग फॉर एग्जैक्टली नीट 2022 as well as meet 2023। मेरे बारे में जो बच्चे नहीं जानते हैं, शायद कुछ बच्चे पहली बार आज सेशन में आए होंगे, सो माई सेल्फ डॉक्टर बकुलदेव, मैं जयपुर से हूँ और मैं पिछले 16 सालों से मेडिकल एस्पिरेंट्स की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। पिछले बहुत से वक्त से अब मैं यहाँ अनअकैडमी पर आप सब लोगों के लिए लाइव सेशन ले रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आज सारा का सारा आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। बहुत ही प्रिसाइज और स्क्रूटनाइज कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा सके, ये मेरी कोशिश है, तो आप सब लोग जुड़िए, आइए जल्दी जल्दी। मीन वाइल जो एक दूसरा प्लेटफॉर्म है हमारा, जिसे हम कहते हैं अनअकैडमी प्लस, वहां पर कुछ बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं, जैसे शिखर बैच एक स्टार्ट हुआ है अभी 22 के लिए, मिशन नीट 2022 स्टार्ट हुआ है, श्रेष्ठ बैच स्टार्ट हुआ है 23 के लिए, संजीवनी बैच स्टार्ट हुआ है, ऐसे करके ये सारे के सारे नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। इन सभी बैचेस में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। डू रिमेम्बर दिस कोड बी दे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, वो ये बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि डाउनलोडेड नोट्स या जो डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल स्टडी मटेरियल है, उससे पढ़ने में परेशानी होती है, और उनको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना अच्छा लगता है, वो उसी को चेरिश करते हैं, उसी को एंजॉय करते हैं, और उसी से उनको चीजें अच्छे से समझ में आती है। तो इन सारे बच्चों के लिए भगवती, हाँ बेटा मैं सुबह भी पढ़ाता हूँ, सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे भी, तो जो भी बच्चे इस कैटेगरी में है उनके लिए ये ऑफर है। अभी यहाँ पर ऑफर ये है कि अगर आप अनअकैडमी का आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और ये ऑफर एक बात और बता दूं मैं, आज और कल के लिए ही है, जस्ट फॉर 2 डेज। आइकनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं जिसकी कॉस्ट है 65,000 पर ईयर, तो आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा, प्लस कुछ मेंटोर्स आपके लिए अपॉइंट किए जाएंगे जो क्वालिफाइड लोग होंगे सारे के सारे, और जो आपके डे टू डे प्रोग्रेस को एनालाइज करेंगे, कहाँ कहाँ लेक्यूना है, कहाँ कहाँ परेशानियां हैं, उन चीजों को डिटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको रेक्टिफाई किया जा सके। तो जिन बच्चों को प्रिंटेड मटेरियल चाहिए उनके लिए यह ऑफर है। बाकी जो बच्चे 1 साल और 2 साल के कोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए इससे बेहतर और ऑफर अभी अवेलेबल नहीं होगा। तो जो भी बच्चे जाना चाह रहे हैं 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन में, बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो 2 मंथ एक्स्ट्रा है, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो 3 मंथ एक्स्ट्रा है। डू रिमेम्बर दिस कोड बी देव while subscribing any of the course on an Academy Plus. इस वक्त आपको ये टाइम स्लॉट तो एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको 10+15 यानी पहले केवल 10% स्कॉलरशिप मिला करती थी, उसकी जगह अब आपको स्कॉलरशिप मिल रही है 10+15। 2 साल के सब्सक्रिप्शन में जो 10% स्कॉलरशिप मिला करती थी उसकी जगह हो रहा है 10+20। तो इफेक्टिव जो कॉस्टिंग निकल के आ रही है आप लोगों की, दैट इज नॉट मोर देन लेट मी से 2,000 or 2,100-2,200 rupees पर मंथ, विच इज क्वाइट रीजनेबल, मोस्ट ऑफ यू कैन अफोर्ड इट। सो इफ यू कैन अफोर्ड दिस, यू मस्ट 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 सब्सक्राइब फॉर अनअकैडमी प्लस, आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए।
और जिनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो EMI ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है। एक ये कोड तो खैर याद रखना ही है आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, और वो जो फॉर्म है उसको अगर आप फिल कर देते हैं प्रॉपरली, द टीम विल कॉन्टेक्ट यू, और टीम आपसे कॉन्टेक्ट करके, यश बेटा करेंगे कुछ पहले चैप्टर तो पूरा हो जाए, टीम आपसे कॉन्टेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट अभी संडे को होगा, आने वाले संडे को, इसमें भी अपियर होइए, किसी भी जगह आप अपियर होते हैं, एंटर करते हैं, यूज दिस कोड बी देव, और इस चैनल को तो सारे बच्चे जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अभी जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स पोस्ट करने वाला हूँ, है ना। तो ये सारी की सारी बातें आप सब बच्चों को याद रखना है। अभी मैं देख लूं कौन कौन बच्चे आ गए। बेटा जल्दी आ जाओ, एक तो सारे के सारे लेट करते हो तुम लोग। मोनू कुमार, अभिजीत गायकवाड़, मिस्टर अयान, वैष्णवी, राहुल, खुशी, अंजलि गुप्ता, भुवाना पाटिल, प्रसून, अंजलि, अन्निका, राहुल, खुशी, निशा, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अब आगे चलते हैं एनिमल टिश्यूज में। देखिए 5 मिनट का रिकैप ये देता हूं आपको, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। लेट अस हैव अ लुक। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हम पढ़ चुके, पूरा का पूरा, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर पढ़ चुके, एडिपोज पढ़ चुके, डेंस में व्हाइट फाइब्रस और येलो इलास्टिक पढ़ चुके, सारे एग्जांपल्स पढ़ चुके। फिर हमने स्टार्ट किया था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड अभी बाकी है हमारा। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें आती है हमारे पास, आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक तो है आपका कार्टिलेज और दूसरा है आपका बोन। तो भाई कार्टिलेज वाला सेगमेंट भी आप लोगों को पूरा अच्छे से पढ़ा चुका हूं डिटेल में, थोड़ा सा रिकैप दे दूंगा। आज हम बोन पढ़ने वाले हैं। बोन को हम और क्या कहते हैं, ऑसियस टिश्यू, और वी कैन से बोन, दे आर वन एंड द सेम थिंग। आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, जल्दी से, शाबाश। अभी देखो कार्टिलेज याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कार्टिलेज के बारे में, ये कार्टिलेज में ये तीन चीजें हैं, है ना। और मैंने आपके लिए कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था, याद कीजिए। कार्टिलेज इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, कार्टिलेज के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। अंदर कार्टिलेज का मैट्रिक्स है पूरा का पूरा, और मैट्रिक्स में आपके फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस मिलते हैं जिनको हम कहते हैं लेक्यूनी। यहां पूरे हिस्से में मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को समझाई थी, आज एक बार फिर से बताए दे रहा हूं। और इन लेक्यूनी में, यानी इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस में, ये मिलती हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट का काउंट वेरी कर सकता है, कई बार सिंगल ऑस्टियोसाइट भी होती है, कई बार दो भी हो सकती है, कई बार तीन ऑस्टियोसाइट भी मिल सकते हैं। सो दिस इज द अपीयरेंस ऑफ द कार्टिलेज। इसमें आपको बाहर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है बेटा, दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम प्रोटेक्टिव कवर, देन दिस इज मैट्रिक्स, दीज आर द फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस विच आर नोन एज लैक्यूनी, और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, करेक्ट। ये कार्टिलेज का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो कॉन्ड्रोसाइट तो आप देख ही रहे हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, इससे पहले ये सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट कहलाते थे जब ये एक्टिवली कार्टिलेज सीक्रेट कर रहे थे, और कॉन्ड्रोक्लास्ट यानी कि जो फेगोसिटिक नेचर के सेल। मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट या कॉन्ड्रिन सॉल्ट जिसको कहते हैं, और ये जो फाइबर्स हैं, अब याद रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो फाइबर्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इनमें दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो कार्टिलेज में फाइबर होंगे ही नहीं या होंगे, और अगर होंगे तो फिर दो तरह के हो सकते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। तो इसको व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज कहेंगे, इसको येलो इलास्टिक कार्टिलेज कहेंगे, इसको हाइलाइन कार्टिलेज कहेंगे, अकॉर्डिंगली हम कार्टिलेजेस को क्लासिफाई करते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा। चलिए अभी देखिए जरा ये तीन टाइप के कार्टिलेजेस, और इनके एग्जांपल मैं जल्दी से बता देता हूं, हालांकि पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। हाइलाइन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज एंड येलो इलास्टिक कार्टिलेज। नाउ लेट अस हैव अ लुक।
हाइलाइन कार्टिलेज ऐसा कार्टिलेज है जो ब्लूइश होता है अपियरेंस में, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें न तो फाइबर कोलेजन वाले हैं, न तो इलास्टिन है, यानी कि इसमें न तो स्ट्रेंथ है और न ही इसमें इलास्टिसिटी है। एग्जाम्पल्स, जब भी आप कहीं पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं कार्टिलेजिनस फिश, तो एंडोस्केलेटन किसका है? हाइलाइन कार्टिलेज। हमारा जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इनिशियली जो स्केलेटन हमारी बॉडी में डेवलप होता है दैट इज कार्टिलेजिनस, वो कार्टिलेज कौन सा है? हाइलाइन कार्टिलेज। साइक्लोस्टोमेट्स में अगर आप देखेंगे, ये देखो एंडोस्केलेटन ऑफ साइक्लोस्टोमेट्स, एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, एम्ब्रियोनल एंडोस्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट्स, लैरिंजियल कार्टिलेजेस, आपके लैरिंग्स के सारे कार्टिलेजेस इसी के बने हुए हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज एपिग्लॉटिस। सी शेप्ड कार्टिलेजन, कार्टिलेजिनस रिंग्स ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, कॉस्टल आर्टिकुलर और नेजल सेप्टम, इनके डायग्राम दिखाता हूं। नेजल सेप्टम ये रहा, दोनों नेजल पैसेजेस को सेपरेट करता हुआ आपका नेजल सेप्टम है ना। ओके, अभी देखो क्या कह रहे हो बेटा, मुझे समझ में नहीं आया व्हाट यू आर सेइंग। हाँ अंजलि, मैं बस एक दो मिनट का रिवीजन करवा रहा हूं फिर आगे चल रहा है। ये देखो ये आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं, लॉन्ग बोन के जो सर्फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं इन पर जो कवर कर रहा है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये जो रेड कलर का कार्टिलेज आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कॉस्टल कार्टिलेज है जो आपके रिब को आपके स्टर्नम से जोड़ रहा है। ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स दिख रहे हैं जो आपके ट्रेकिया के वॉल में होते हैं। ये लैरिंजियल कार्टिलेजेस दिख रहे हैं एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस, ये सारे के सारे आपके एक ही टाइप के कार्टिलेजेस हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना बेटा, रिपीट कर तो दिए, किसको किसको रिपीटेशन चाहिए भैया? शंकर जयकिशन, एंडोस्केलेटन ऑफ साइक्लोस्टोम, एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, एम्ब्रियोनल एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स, लैरिंजियल कार्टिलेजेस, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, कॉस्टल कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड नेजल सेप्टम, दीज आर द एग्जाम्पल्स। आगे आइए व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का सीधा सा मतलब है कि मैट्रिक्स में क्या है, व्हाट इज इन द मैट्रिक्स? व्हाइट फाइबर्स और वी कैन से कोलेजन फाइबर्स। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट में टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें प्रेजेंट होगा। और इसके दो एग्जांपल हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस जिसे हम कहते हैं हिप ज्वाइंट, ये देखिए जो यहां दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो सक्सेसिव वर्टिब्री के बीच में ये जो डिस्क दिखाई दे रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, सक्सेसिव वर्टिब्री के सेंट्रम के बीच में जो दिखाई दे रहा है दैट इज ओके। एंड द लास्ट इज येलो इलास्टिक कार्टिलेज, इसके भी एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये ईयर है, ईयर पिन्ना की कार्टिलेज आपकी येलो इलास्टिक कार्टिलेज है। एपिग्लॉटिस जो है आपका ये रहा, ये आपका येलो इलास्टिक कार्टिलेज है। ये जो यूस्टेचियन ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है ये आपका येलो इलास्टिक कार्टिलेज है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए आपके कार्टिलेजेस के। कार्टिलेजेस मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर है। अब आगे चलते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बेटा हमारा बोन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। देखो बोन को और हम क्या कहते हैं, ऑसियस टिश्यू। और बोन में चार तरह के सेल हैं साहब, ऑस्टियोप्रोजेनरेटर सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो मैं आपको चारों के बारे में कुछ कुछ चीजें समझाए देता हूं। पहले सबसे पहले आते हैं ऑस्टियोप्रोजेनरेटर सेल। तो ऑस्टियोप्रोजेनरेटर सेल आपके स्टेम सेल, स्टेम सेल्स, या हम कहें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो बाकी किसी भी और दूसरे तरह के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जैसे मैंने आपको कार्टिलेज में बताया था कॉन्ड्रोब्लास्ट, वैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट है, इनको हम कहेंगे कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल।
तीसरे नंबर पर आइए, सॉरी कार्टिलेज लिख दिया हमने, गलत लिख दिया, एक मिनट रुको, नॉट कार्टिलेज इट इज बोन फॉर्मिंग सेल, जस्ट अ मिनट, बोन फॉर्मिंग सेल, कार्टिलेज तो पूरा खत्म हो चुका है। तीसरे नंबर पर आइए बेटा, ऑस्टियोसाइट, इसको हम कहेंगे सिंपली बोन सेल, जो बोन में मिलता है। अभी इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑस्टियोक्लास्ट ये आपका फेगोसिटिक सेल है। तो भाई कुल मिलाकर के चार तरह के सेल बोन में मिलेंगे। इसमें ऑस्टियोसाइट का स्ट्रक्चर जानना आपके लिए जरूरी है। मैं यहां ऑस्टियोसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ऑस्टियोसाइट होते हैं इस तरह के, देखिएगा जरा, आगे भी बनाऊंगा इसको फिर से, लेकिन हाल फिलहाल आप इसको यहां देखिए, ये ऑस्टियोसाइट है। मतलब ऑस्टियोसाइट कोई गोल स्टेल नहीं होता जिसके कोई साइटोप्लाज्मिक फिंगर लाइक प्रोसेसेस वगैरह ना हो। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसके भी चारों तरफ क्या होते हैं बेटा, लेक्यूनी एज वेल एज कैनालिक्यूली। सो हैव अ लुक, ये इसके चारों तरफ मैं बना रहा हूं लेक्यूनी। अब देखो इस हिस्से को तो कहेंगे लेक्यूनी, जिसने इसको सेल को कवर कर रखा है, ये तो लेक्यूनी है। और जो इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को कवर करेगा इनको हम कहेंगे कैनालिक्यूली। ये लीजिए, तो ये ऑस्टियोसाइट है विच इज एनक्लोज्ड इन लेक्यूनी एज वेल एज कैनालिक्यूली। ये आपका ऑस्टियोसाइट है, ये दिखाई दे रहा है आपको लेक्यूनी, और ये दिखाई दे रहे हैं आपको कैनालिक्यूली। ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ। फाइबर्स जो इसमें होते हैं वो कहलाते हैं ऑस्टियोकोलेजिनस फाइबर्स। बच्चों रिस्पॉन्ड करो बेटा। और सबसे खास बात है बोन की मैट्रिक्स। तो बोन हमारी बॉडी में मिलने वाला हार्डेस्ट टिश्यू है, सुनिए ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं हार्डेस्ट सीक्रीशन, तब तो आप कहेंगे जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा, हमारे दांतों पर जो होता है जिसे हम कहते हैं एनेमल, दिस इज हार्डेस्ट सीक्रीशन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं हार्डेस्ट टिश्यू, तो हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? बोन। ये दो बातों में डिफरेंस हो गया। सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा होता है? ब्लड। हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा होता है? बोन। लिख देता हूं यहां पे, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब ये हार्डेस्ट क्यों है इसको समझिए जरा, क्योंकि इसकी मैट्रिक्स में क्या आ गया है? कैल्शियम। इसकी मैट्रिक्स है कैल्सिफाइड। मोस्ट ऑफ द बोन मास, यानी लगभग 65% के आसपास बोन मास जो है, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। और इनका भी जो मेन कॉम्पोनेंट है उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह आप याद न करें, कोई खास बात नहीं है ना। तो ये बोन के कॉम्पोनेंट हुए। कॉम्पोनेंट क्लियर है? एक बार सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे वेदर द कॉम्पोनेंट्स आर क्लियर और नॉट। चार तरह के सेल जिसमें आपके ऑस्टियो प्रोजेनरेटर सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, उसमें भी आपको ऑस्टियोसाइट का स्ट्रक्चर और वो किस तरीके से लेक्यूनी और कैनालिक्यूनी में प्रेजेंट होता है ये पता होना चाहिए। बेटा अभी बोन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, सिडवर्स, रुको बेटा, फाइबर्स आ गए, मैट्रिक्स आ गया, अब आगे चलते हैं। अब हम जरा बोन के टाइप्स पर आते हैं, पहले टाइप्स पर आएंगे फिर लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाई बोन को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ध्यान से देखो कौन से दो मेथड्स हैं बोन को क्लासिफाई करने के। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन पर मैं जाऊं उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक टर्म है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसिफिकेशन? ऑसिफिकेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन, That is known as ossification. इसी को ossification कहा जाता है, बोन के बनने का प्रोसेस। अब यहां आइए, सबसे पहला है कार्टिलेजिनस बोन, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे।
हमारी बॉडी में 90% से ज्यादा बोन इसी कैटेगरी में होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इनिशियली हमारा स्केलेटन बनता है कार्टिलेजेस का, करेक्ट, और बाद में यही कार्टिलेज किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बोन्स में, है कि नहीं? तो इसका मतलब कार्टिलेजेस आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू बोन्स, और कार्टिलेज अगर बोन में कन्वर्ट होने लग जाए तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, और ऐसे बोन्स कहलाएंगे कार्टिलेजिनस बोन्स। तो मैं लिख दूं कि फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से बनते हैं, और ज्यादातर बोन हमारी बॉडी के इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ। अब चलिए दूसरे टाइप पर मूव करते हैं। आइए, दूसरा टाइप है हमारा डर्मल बोन। डर्मल बोन का मतलब है जो डर्मिस के ऑसिफिकेशन से बना। देखिए, हमारे स्किन में दो लेयर्स होते हैं, वन इज एपिडर्मिस, अनदर इज डर्मिस। तो जो डर्मिस के ऑसिफिकेशन से बने वो डर्मल बोन कहलाया। जैसे कि हमारे क्रेनियल बोन्स, हमारे क्रेनियम या ना देखो, फ्रंटल, पेराइटल, पीछे ऑक्सिपिटल, ये टेम्पोरल पतले पतले बोन चाहिए, ये एग्जैक्टली डर्मिस के बोन में कन्वर्ट होने की वजह से बने हैं, तो ये हमारे डर्मल बोन कहलाए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और कई बार पूछा गया है, तीसरा है सेसमॉइड बोन। सेसमॉइड बोन उसे कहते हैं जो कि टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनता है। टेंडन तो तुम जानते ही हो, टेंडन का मतलब क्या है, द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट मसल विद द बोन। सो सेसमॉइड बोन और पटेला फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ये टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया पटेला। पटेला को नी कैप भी कहते हैं, आपके घुटने पर जो कैप होती है ना, That is known as patella. Patella is also known as kneecap. अभी आपको इसका structure भी दिखेंगे। और चौथी category में आ गए बेटा आपके visceral bones. ये visceral bone भी बड़े important है। क्या हुआ बेटा जेबा? चलो ठीक है, आप recorded देख लें। Now, visceral bone का मतलब है ऐसे bone, ये बड़े important bone है, ऐसे बोन जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या विसरल ऑर्गन में बनकर तैयार हो जाए। जैसे एक बोन है जिसे कहते हैं ऑस्कॉर्डिस, हार्ट में मिलता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉर्डिस माने एसोसिएटेड विद हार्ट। ऑस्पेनिस, ये पेनिस में डॉग, पेनिस में बोन मिलता है इन केस ऑफ डॉग। ऑस्रोस्ट्राई, रोस्ट्रम, रोस्ट्रम जानते हैं, थूथन, जैसे आप पिग में देखेंगे तो थोड़ा सा हिस्सा मुंह का आगे निकला हुआ रहता है, या आप क्रोकोडाइल में देखेंगे तो भी रोस्ट्रम निकला रहता है आगे की तरफ, उसे हम कहते हैं ऑस रोस्ट्राई, जो उसके रोस्ट्रम में बोन होती है। इसी तरीके से ऑस पेल्पेब्री, पलकों में, आईलिड्स में बोन होती है, किसमें, क्रोकोडाइल में, जिसे हम कहते हैं ऑस पेल्पेब्री, करेक्ट। तो ये सारे के सारे टाइप ऑफ बोन हुए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, करेक्ट। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा बोन कौन से मिलते हैं, कार्टिलेजिनस बोन। तो ये मैं लिखे देता हूं, most of the bones comes in this category, है ना, ज्यादातर बोन इस कैटेगरी में आ जाते हैं। एक बार सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, यहां तक का मामला सही है कि नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टाइप ऑफ बोन क्लियर हो गया, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। बट प्लीज रिस्पॉन्ड मी फर्स्ट, एक बार सारे बच्चे रिस्पॉन्स देंगे, जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं सब एक बार के लिए अपना रिस्पॉन्स देंगे। शाबाश, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए, पहले तो जरा इन चारों सेल्स को देख लीजिए जो मैंने शुरू में आपको सेल दिखाई थी। ये ऑस्टियोसाइट है, लगभग ऐसा ही मैंने आपको ऑस्टियोसाइट बना के दिखाया था। ये ऑस्टियोब्लास्ट है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ये ऑस्टियोजेनिक सेल है, इसी को ऑस्टियोप्रोजेनरेटर सेल भी कहा जाता है। मैं लिखे देता हूं यहां पे जिससे कंफ्यूजन की गुंजाइश न बचे। दिस इज ऑल्सो नोन एज
ऑस्टियो प्रोजेनरेटर सेल्स। ये ऑस्टियो प्रोजेनरेटर सेल है और ये ऑस्टियोक्लास्ट है जो कि फैगोसाइटिक है नेचर में। इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना, चारों तरह के सेल बता चुका हूं। यश कह रहे हैं सेसमोइड बोन समझ में नहीं आया। सुनो, सेसमोइड बोन में क्या नहीं समझ में आया, ये रहा सेसमोइड बोन। आप टेंडन जानते हो कि नहीं? व्हाट इज अ टेंडन? टेंडन इज द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट मसल विद द बोन। कोई ऐसी चीज है जो मसल को बोन से जोड़ रहा है, उसे टेंडन कहते हैं। तो इस टेंडन से अगर बोन बन जाए, दैट इज नोन एज सेसमोइड बोन, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? चलो अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बेस पर बोन कैसे होते हैं, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहला फ्लैट बोन। फ्लैट का मतलब होता है चपटे। तो चपटे बोन्स के बारे में तो आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे क्रेनियल बोन्स। दूसरा होते हैं स्मॉल बोन, छोटे साइज के, जैसे हमारे कलाई में होती है 8 छोटी छोटी हड्डियां होती है, 8 स्मॉल बोन्स। या जैसे हमारे एंकल में 7 स्मॉल बोन्स होते हैं एंकल में। तो ये सारे छोटे साइज के बोन हो गए, इनको हमने कह दिया स्मॉल बोन्स। फॉर एग्जाम्पल कार्पल्स। कार्पल्स का मतलब हो गया रिस्ट बोन्स, ठीक है साहब। अब आगे चलो इररेगुलर बोन्स। इररेगुलर का मतलब जिनका शेप इररेगुलर, फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्री। अब वर्टिब्री का शेप रेगुलर शेप के अंदर तो नहीं आएगा, इररेगुलर शेप में आएगा, इररेगुलर बोन हो गए। और आखिरी कैटेगरी में आए हमारे लॉन्ग बोन्स, जैसे कि ह्यूमरस। लॉन्ग बोन देखो, ये वाला लॉन्ग बोन हो गया हमारा ह्यूमरस, ये दोनों भी लॉन्ग बोन हो गए, जिनको हम कहते हैं टिबिया एंड फिबुला। फिर हमारे पैर में थाई वाला जो बोन है फीमर, वो भी लंबा हो गया, उससे नीचे घुटने से नीचे चले जाए तो टिबिया और फिबुला। तो ये भी कैसे हो गए हमारे लॉन्ग बोन्स। तो स्ट्रक्चर के बेस पर बोन चार तरह के हो सकते हैं। नाउ हैव अ लुक, अगर आप थोड़ा बहुत समझ पाए इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ये फ्लैट बोन है, देखो क्रेनियम में जो मिलता है दिख रहा होगा। ये शॉर्ट बोन है, तो ये आपको कलाई का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ट्राई टू विजुअलाइज इट, दिस इज रिस्ट, है ना, ये कलाई का हिस्सा दिख रहा है जिसमें छोटे छोटे बोन दिख रहे हैं, ये शॉर्ट बोन हो गया। ये सेसमोइड बोन देखो, जरा कौन पूछ रहा था, ये पटेला, ये यहां पर मिलता है नी कैप, इस जगह होता है ये। इररेगुलर बोन ये रहा आपका वर्टिब्री, आपको दिखाई दे ही रहा है साफ साफ। लॉन्ग बोन ये दिख ही रहा है आपको फीमर। और ये सुचरल बोन भी होता है, कहने का मतलब जहां पर सुचर्स होती है उनकी उनके बीच में एक छोटा सा बोन होता है जिसको सुचरल बोन बोल दिया जाता है। हाँ जी, शेप के अकॉर्डिंग मामला क्लियर है सारे बच्चों को, कोई परेशानी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे चलें, शुड वी मूव फॉरवर्ड? अच्छा देखो, एक काम करो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे अभी सेशन देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं तुमको लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं। विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बताने वाला हूं मैं। देखो सेशन को लाइक करो और शेयर करो। अभी लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर, उसकी हिस्टोलॉजी, हेवर्सियन सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी स्टडिंग, और सारा का सारा हम पूरा पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। तो अभी हम क्या करते हैं देखिए, जरा ध्यान से देखिए। मैं सबसे पहले आपको लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बताता हूं। पहले इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करते हैं, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो मैं आपके लिए लॉन्ग बोन यहां पर एक ड्रॉ करता हूं। चलिए, देखो ध्यान से समझेंगे सारे के सारे। लगभग लगभग इस तरह का एक लॉन्ग बोन हमें दिखाई देता है, ऑलमोस्ट लाइक दिस। और लॉन्ग बोन के ये जो सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्टिलेज वाले चैप्टर में अच्छे से बता चुका हूं कि यहां जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। बता चुका हूं कि नहीं, बोलो जरा जल्दी से। आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं ये, कौन से टाइप के कार्टिलेज होते हैं, कौन बच्चा बताएगा जरा बताना, ये कौन से कार्टिलेज हैं, क्लासिफिकेशन के बेस पर बताओ जरा, शाबाश। अब आगे देखो,
इनके चारों तरफ, बोन के चारों तरफ ये एक प्रोटेक्टिव कवर मिलता है। ये भी मैं आपको व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में समझा चुका हूं। अभी यहां फिर से एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ये किनारों पर नहीं होता है, किनारों पर नहीं होता। कौन सा, अरे कौन सा कार्टिलेज होता है ये बताओ। कार्टिलेज तो मैंने ही बता दिया। अब सुनो ध्यान से, किसी भी लॉन्ग बोन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा ये हो गया, यानी ये किनारे वाला हिस्सा। ये जो किनारे वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए, ये जो किनारे वाला हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एपिफाइसिस और वी कैन से स्पॉन्जी बोन। ये हिस्सा कहलाता है हमारा एपिफाइसिस और वी कैन से स्पॉन्जी बोन, ये वाला हिस्सा, करेक्ट। और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है डायफाइसिस और वी कैन से शाफ्ट और वी कैन से कॉम्पैक्ट बोन। इस हिस्से को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। ये जो कार्टिलेज आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर और नीचे की तरफ, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये चारों तरफ जो कवर दिखाई दे रहा है, ये कवर है आपका पेरी ऑस्टियम, जो कि एक तरह का व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ना। इनमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं इसको थोड़ा दूर बनाए देता हूं। एक मिनट रुको, ये आपका डायफाइसिस या शाफ्ट है और इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवर है दैट इज पेरी ऑस्टियम। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। अब इसमें से मैं पहले आपको एपिफाइसिस वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इस एपिफाइसिस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करें, एनलार्ज करें, तो ध्यान से देखिएगा जरा, केवल एपिफाइसिस वाला हिस्सा, ये एपिफाइसिस है, करेक्ट। इस हिस्से का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना सारे बच्चे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन इसका देख रहे हैं, एपिफाइसिस का या स्पॉन्जी बोन का। जब इस हिस्से का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखते हैं बेटा, तो इसमें हमें दिखाई देते हैं बोन ट्रेबेक्यूली, यानी इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। अभी इसका मैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको, जो रियलिस्टिक इमेज है वो भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये जो बोन ट्रेबेक्यूली है, ये इसमें इस तरह के छोटे छोटे चैम्बर्स बना देते हैं, स्मॉल चैम्बर्स। और ये जो छोटे छोटे चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चैम्बर्स में एक चीज भरी रहती है। कोई बताएगा मुझे क्या भरा रहता है इनमें? इन चैम्बर्स के अंदर एक सब्सटेंस भरा रहता है बेटा, जिसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो। सो जस्ट अ मिनट, यहां हम ये सब्सटेंस भर देते हैं। देखिए ये क्या भरा हुआ है यहां पे इन चैम्बर्स में, ध्यान से देखिए, ये जो सब्सटेंस मैं फिल कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट रेड बोन मैरो। सारे चैम्बर्स में रेड बोन मैरो भरा हुआ है और आप अच्छी तरह से जानते हैं दैट रेड बोन मैरो इज द प्राइमरी साइट ऑफ हीमोपोएसिस। ब्लड सिंथेसाइज ही यहीं पर होता है, ब्लड फॉर्म ही यहीं पर होता है, दैट इज हीमोपोएसिस, करेक्ट। तो अब मैं इसको लेबल कर दूं जरा, ये जो आपको चीजें दिख रही हैं इनको हम कहते हैं बोन ट्रेबेक्यूली, और इनके अंदर चैम्बर्स के अंदर ये जो चीजें भरी हुई हैं इनको हम क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो। दिस इज रेड बोन मैरो।
एंड रेड बोन मैरो इज द प्राइमरी साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस. इरिथ्रो की जगह मैं लिख देता हूं साइट ऑफ हीमोपोइसिस. तो स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया. एपिफाइसिस या स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, और मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी बच्चे को परेशानी नहीं है. अब कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर देख लें. बेटा सुनो, इस डायग्राम को देखो ध्यान से और मुझे बताओ कि आपको स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं. तो फिर हम इस वाले हिस्से पर चलेंगे, कॉम्पैक्ट बोन वाले हिस्से पर. बट प्लीज रिस्पॉन्ड मी वेदर इट इज क्लियर टू यू और नॉट. और तुम लोगों ने अभी सेशन को लाइक किया है कि नहीं किया है रे? जल्दी कर दो. शाबाश. अगला जो डायग्राम होगा उस डायग्राम से आपको सारा का सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा एक ही बार. चलिए अगले डायग्राम की तरफ मूव करते हैं. अब हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट बोन की. अब ध्यान से देखिएगा, यहां बना रहा हूं वो वाला हिस्सा जो पहले ड्रॉ कर चुका हूं, उसको दोबारा बना रहा हूं एक बार, केवल आपको समझाने के लिए कि आपको पता रहे कहां से हम कौन सा सेक्शन देख रहे हैं. है ना, ये हमने लॉन्ग बोन बनाया था, याद करो. लॉन्ग बोन के चारों तरफ ये पेरियोस्टियम बनाया था, है कि नहीं? और फिर हमने कहा था कि यहां पर आपको कॉम्पैक्ट बोन दिखाई दे रहा है इस तरीके से. है ना, अब ये जो हिस्सा है ना बीच वाला जिसे हम कह रहे हैं कॉम्पैक्ट बोन, इसका मैं एक साथ लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स सेक्शन दोनों बनाता हूं, जिससे कि आपको सारा का सारा डायग्राम और सारा का सारा मामला एक ही बार में समझ में आ जाए. सो लेट मी ड्रॉ दिस. थोड़ा सा ऊपर चला गया मामला. एक मिनट रुको जरा, डायग्राम ठीक सा बन जाए तो तुम्हें चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. अभी भी ठीक नहीं बना. जस्ट अ मिनट. अभी ठीक है, ऑलमोस्ट. देखिए जरा ध्यान से, अभी आपको कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है इसका, ये जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं. बोलो जरा, रेस्पॉन्ड करो बेटा जल्दी से. अभी ये आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये अंदर आपको कैविटी भी दिखाई दे रही है ना. इसकी वॉल भी दिख रही है, इसकी कैविटी भी दिख रही है, दोनों चीजें दिख रही है. तो एग्जैक्टली जो सेक्शन हम लोगों ने लिया है
दिस इज टीएस एज वेल एज एलएस, दोनों दिख रहे हैं आपको, ट्रांसवर्स सेक्शन भी दिख रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी दिख रहा है, करेक्ट। अब देखो इस बोन की पूरी लेंथ में, माने कि यहां से यहां तक इस तरीके के ट्यूब्स लगे होते हैं, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये देखो, ये जो ट्यूब्स यहां लगे हुए हैं, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं हेवर्सियन कैनाल। इन ट्यूब से होकर के ब्लड वेसल्स पास आउट होते हैं, करेक्ट। ये आपके हेवर्सियन कैनाल हैं, ध्यान से देखो सब बच्चे। अब ये हेवर्सियन कैनाल ट्रांसवर्स सेक्शनल व्यू में तो इस तरीके के दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर ये अलग तरह के दिखाई देंगे। उससे पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो हेवर्सियन कैनाल हैं, दे आर कनेक्टेड वाया ट्रांसवर्स कैनाल्स लाइक दिस। इनको ट्रांसवर्स कैनाल्स आपस में कनेक्ट भी करते हैं। जो ट्रांसवर्स कैनाल इनको कनेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं वोकमैन्स कैनाल। अब ये यहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखिए जरा, हैव अ लुक, ये सब क्या है, व्हाट आर दीज, ये सब हेवर्सियन कैनाल्स। और हेवर्सियन कैनाल के चारों तरफ मैट्रिक्स जो होता है वो लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होता है, समथिंग लाइक दिस। ये देखो, ये मैट्रिक्स के लेयर्स बना रहा हूं मैं, दीज आर कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के इन लेयर्स को और अच्छे से समझने के लिए हम इस एक सेगमेंट को जरा बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें आपको सेंटर में तो दिखाई दे रहा है भाई हेवर्सियन कैनाल, इसके चारों तरफ आपको ये मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, मैट्रिक्स के लेयर्स। और इन मैट्रिक्स के लेयर्स में भी बेसिकली होता क्या है समझिएगा जरा ध्यान से, ये मैट्रिक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ऑस्टियोसाइट्स विच आर एनक्लोज्ड इन लैक्यूनी एज वेल एज कैनालिक्यूली। अभी मैं इसको और डिटेल से ड्रॉ करता हूं आपके लिए, दीज आर ऑस्टियोसाइट्स विच आर एनक्लोज्ड इन लैक्यूनी एज वेल एज कैनालिक्यूली। नाउ हैव अ लुक, ओके और अगर इनको आप एनलार्ज करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ऑस्टियोसाइट के बारे में भी पता चलेगा, लैक्यूनी कैनालिक्यूली के बारे में भी पता चलेगा। सो नाउ लेट मी ड्रॉ इट फाइनली दैट दिस इज एन ऑस्टियोसाइट, एंड इज इट एनक्लोज्ड इन लैक्यूनी एंड कैनालिक्यूली। ये हमने यहां से एक ऑस्टियोसाइट को एनलार्ज कर दिया है, ठीक है। तो अब जरा इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कि एक ही बार में आपको ये सारा मामला समझ में आ जाए। यहां से हमने इसको बाहर निकाला है और इसको एनलार्ज किया है। नाउ हैव अ लुक, चलिए लेबल करते हैं अब इसको जहां जहां लेबलिंग की जरूरत है। सबसे पहले तो इसे देख लो, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, ऑस्टियोसाइट लैक्यूनी कैनालिक्यूली कैनालिक्यूली, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स।
ये मैट्रिक्स के कंसेंट्रिक लेयर दिख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं हेवर्सियन कैनाल्स। और इनको जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इनको हम कहते हैं वॉकमैन्स कैनाल। ये आपको मैरो कैविटी दिखाई दे रही है जिसमें कि येलो बोन मैरो भरा रहता है। अभी जरा ध्यान से देखिए और इस कॉम्पैक्ट बोन जो है इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए। और अब मुझे बताइए कि आपको ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया या नहीं। बेटा जल्दी से रेस्पॉन्ड करो, जिन जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दो और मुझे जरा जल्दी से जवाब दो कि तुम लोगों को यह मामला समझ में आ गया या नहीं आया अभी तक। एंड रेस्पॉन्ड फास्ट, बोलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जल्दी से शाबाश, सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। बोन का स्ट्रक्चर, बोन की हिस्टोलॉजी प्रॉपरली क्लियर हो गई है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा। अब ये सारी की सारी चीजें जो हमने पढ़ी है ना यहां, इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं हेवर्सियन सिस्टम। और हेवर्सियन सिस्टम केवल और केवल मैमल्स की बोन में मिलता है, याद रखिए। फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये जो पांच बड़े ग्रुप हैं इनमें से केवल एक ग्रुप ऐसा है जिसमें कि हेवर्सियन सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सो लेट मी राइट इट डाउन, हेवर्सियन सिस्टम। और हेवर्सियन सिस्टम में क्या क्या चीजें आ गई, फिर से देखो। हेवर्सियन कैनाल नंबर वन, वॉकमैन्स कैनाल नंबर टू, कंसेंट्रिक लेयर्स नंबर थ्री, ऑस्टियोसाइट्स नंबर फोर, कैनालिक्यूली नंबर फाइव एंड लैक्यूली नंबर सिक्स। ये सारी की सारी चीजें जो हैं कलेक्टिवली, सुनिए ध्यान से, ये सारी की सारी चीजें कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, हेवर्सियन सिस्टम। एंड दिस सिस्टम इज स्पेसिफिकली फाउंड इन केस ऑफ मैमल्स। सो दिस इज ए मैमेलियन फीचर। बोलो जरा, मामला क्लियर हो गया सारे बच्चों को, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया, ट्रांसवर्स सेक्शन। अच्छा, हेवर्सियन सिस्टम में तो कोई परेशानी नहीं है किसी बच्चे को कि हेवर्सियन सिस्टम का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो या कोई और परेशानी चल रही हो? जल्दी से बोलो बेटा, रेस्पॉन्ड करो एंड रेस्पॉन्ड फास्ट। बहुत अच्छे, तो अब आगे चलते हैं। देखो जरा, अब इस डायग्राम को देखो, पहले जो मैंने डायग्राम बनाया है वो देखो, इसको समझ लो अच्छे से। अब मैं आपको इसी का थोड़ा सा एक रियलिस्टिक इमेज दिखाता हूं जिसमें आपको चीजें समझ में आ जाए। ये देखो, ये स्पॉन्जी बोन वाला हिस्सा जिसमें आपको रेड बोन मैरो भरा हुआ दिख रहा है, ये स्पॉन्जी बोन, ये बोन ट्रेबेक्यूली दिख रहे हैं। ट्रेबेक्यूली के बीच बीच में ये जो लाल लाल सब्सटेंस भरा हुआ दिख रहा है, This reddish substance is nothing but red bone marrow. Correct. और अब जरा, now see, the bone trabeculae actually are composed of matrix osteocytes which are enclosed in fluid filled spaces which are known as lacunae as well as canaliculi. आगे वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको और चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखो जरा ध्यान से, ये आपको ट्यूब्स दिख रहे हैं। अच्छा, हेवर्सियन कैनाल की जरूरत क्या है भाई? हेवर्सियन कैनाल की जरूरत ये है कि हमारा ऑसियस टिश्यू, हमारा जो बोन है वो इतना रिजिड है, इतना हार्ड है कि उसमें से होकर ब्लड वेसल्स निकल ही नहीं सकते, उसमें से होकर लिम्फेटिक्स जा ही नहीं सकते, उसमें से होकर नर्व जो है वो जा ही नहीं सकते। तो ये लगभग वैसी ही चीज हो गई कि जैसे आप एक कमरे में हैं और उस कमरे की दीवारों के बीच में से आपकी पाइपिंग जा रही है,
एसी का ड्रेनेज जा रहा है, या जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग है वो आपके कमरे की दीवारों के बीच में से होके गुजर रही है। समझ में आ रही है बात? तो जब वो दीवारों के बीच में से होके गुजर रही है, इसका मतलब वो दीवार इतना रिजिड है कि उसके अंदर से अपने आप कोई चीज नहीं जा सकती। सो वी नीड टू पुट अप सर्टेन पाइप्स। इसी तरीके से हमारे बोन में ये पाइप्स लगे हुए हैं जिनको हम कहते हैं हेवर्सियन कैनाल, वॉकमैन कैनाल। दे एक्चुअली प्रोवाइड पैसेज टू द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स को पैसेज प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट? तो मेरे ख्याल से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से सारा का सारा मामला। हेवर्सियन सिस्टम क्या होता है ये भी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाना चाहिए, और कोई कंफ्यूजन इस चीज के रिलेशन में बचना नहीं चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को तुरंत प्रभाव से पूछ लें। इमीडिएटली यू कैन आस्क योर क्वेरीज। चलो आगे चलते हैं। हेवर्सियन सिस्टम, अब मैं इस सिस्टम के बारे में आखिरी चीज एक बार लिख देता हूं क्योंकि पिछले स्लाइड पर स्पेस ज्यादा नहीं था। सो लेट मी राइट इट डाउन दैट इट इज बाउंड ओनली इन मैमेलियन बोन। सबसे पहली बात तो ये, इट इज मेड अप ऑफ हेवर्सियन कैनाल, वॉकमैन्स कैनाल कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स, देन लैक्यूनी एंड फाइनली कैनाल इक्विपमेंट, करेक्ट? अच्छे से समझ में आ गया है कि नहीं मामला? वेरी गुड। अब जितने भी बच्चे हैं इस सेशन को लाइक कर देंगे। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको पूरा करवा दिया। डू लाइक द सेशन इमीडिएटली। और मैं आप सारे के सारे बच्चों को ये जो हैंड रिटन नोट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे डायग्राम्स वगैरह जो भी मैंने बनाए हैं, आई एम जस्ट पोस्टिंग ऑल दीज इन द ग्रुप, जो ग्रुप आपका है लेट्स क्रैक नीट यूजी का। उस ग्रुप पर अभी तुरंत प्रभाव से ये सारे के सारे नोट्स में भिजवा रहा हूं। आप जल्दी से इनको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में इनसे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। अभी भेज रहा हूं, बस विद इन अ मिनट आपके पास ये नोट्स पहुंच रहे हैं। मीनवाइल आप सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ये दोनों काम जल्दी जल्दी कीजिए। शाबाश, बहुत अच्छे। एक बात याद रहे, कल एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर भी पूरा करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, क्विजेस भी करेंगे। बट लेट मी फर्स्ट पोस्ट ऑल दीज नोट्स इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स जिससे कि ये आपको मिल सके। हाँ जी, लेट्स क्रैक नीट यूजी, और लेट्स क्रैक नीट यूजी में ये आपका गया। चलिए, लेट्स क्रैक नीट यूजी का फर्स्ट ग्रुप जिसमें 33,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर आपके नोट्स अपलोड हो चुके हैं। लेट्स क्रैक नीट यूजी का जो दूसरा ग्रुप है वहां पर भी आपके नोट्स अपलोड हो चुके हैं। देन ये एक और ग्रुप है, इस पर भी अपलोड कर दिए, इस पर भी अपलोड कर दिए, ये लीजिए इस पर भी अपलोड कर देते हैं, एंड फाइनली ऑन दिस वन। चलिए, सारे ग्रुप्स पर नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप इन नोट्स को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। कल जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कल कंक्लूड हो जाएगा और कल यहां हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में भी क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ब्लड। ओके, सो
अब इसको कंक्लूड करते हैं बेटा प्यारे बच्चों, और कल मुलाकात करते हैं। स्पेशल क्लासेस में तो आप सारे के सारे आए ही थे, अगर और फर्दर कोई स्पेशल क्लास होगी तो आई विल शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ यू ऑन द ग्रुप। दैट इज ऑल फॉर टुडे, टाटा बाय बाय। समझ में आ गया होगा मामला, कल सुबह मिलते हैं बेटा, चलो गुड बाय।